हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं गर्मी के मौसम में बच्चा अपनी डाइट को ऑटोमेटिकली कम कर देता है और गर्मी के मौसम में हमारे पास ऑप्शंस भी कम होते हैं बच्चे को देने के लिए। इसलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको बताएंगे जो आप अपने बच्चे को गर्मी के मौसम में ज़रूर खिलाइए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको गर्मी के मौसम में अवॉइड करनी है, जिससे आपके बच्चे की बॉडी हेल्दी रहे, उसमें किसी भी न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो और बच्चा एक हेल्दी बच्चा रहे और उसे गर्मी में होने वाली प्रॉब्लम जैसे डायरिया होना या लू लगना या किसी भी तरह का पेट खराब होना, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत बच्चे को गर्मी में फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में बच्चे को खाने में हमें क्या चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है रोस्टेड मखाने। रोस्टेड मखाने अगर हम बच्चे को खाने में देते हैं तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम काफ़ी मात्रा में होता है, जो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। जब बच्चे के बॉडी से पसीना निकलता है तो पोटेशियम की कमी हो सकती है, तो अगर हम मखाना बच्चे को देते हैं गर्मी के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा रहता है बच्चे के लिए। सेकेंड है चने के सत्तू या जौ के सत्तू। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है और ये बॉडी को कूल डाउन करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप थोड़ी मात्रा में पहले चने के सत्तू को बच्चे को दीजिए। अगर बच्चा 8 महीने से बड़ा है, उसके बाद ही आप ये बच्चे को देना शुरू करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कर्ड राइस। कर्ड राइस से बच्चे की बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा हीट होती है वो अपने आप ही कम हो जाती है और बच्चा इसे बहुत आराम से खाता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है मौसम के फल और सब्ज़ियाँ। मौसम के फल और सब्ज़ियों से मैं काफ़ी मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो बच्चे की बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। आप बच्चे को गर्मियों में तरबूज, खरबूज, आम, अंगूर ज़रूर दीजिए बच्चे को। और आप बच्चे को आम पना, छाछ या नारियल पानी में से कोई एक चीज़ डेली अगर आप बच्चे को देते हैं तो आप देखेंगे बच्चे को लू लगने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते और बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। नेक्स्ट है सौंफ। बच्चे के खाने में थोड़ी सी सौंफ खाने के बाद, अगर आप बच्चा बड़ा है 1 साल से तो खाने के बाद डायरेक्ट आप उसे सौंफ दे सकते हैं, वो थोड़ा सा उसे खा लेगा। तो सौंफ से बच्चे का खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में बच्चे पानी कम पीते हैं तो उनकी पॉटी क्लियर नहीं हो पाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चे को। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो बच्चा खाना ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। इसलिए आप बच्चे को थोड़ी सी सौंफ दीजिए। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो गर्मियों में बहुत अच्छा है, इसलिए खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ बच्चे को ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ें हैं जो आपको गर्मी में बच्चे को खाने में नहीं देनी है। सबसे पहली चीज़ है अंडा। अंडा अगर आप बच्चे को रेगुलर देते हैं तो आप उसकी मात्रा बहुत कम कर दीजिए। वीक में 1 या 2 अंडा बस बच्चे को दीजिए, क्योंकि ये गर्म होता है और इस समय बच्चे ऑलरेडी इतनी गर्मी फेस कर रहे होते हैं, इसलिए अंडा अवॉइड करिए। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। अगर आप बच्चे को देते हैं तो आपको भिगो कर ही ड्राई फ्रूट बच्चे को देना है। डायरेक्ट सूखे ड्राई फ्रूट बच्चे को इस मौसम में आपको अवॉइड करने हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अगर आप गर्मियों में ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपका बच्चा गर्मी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।